मैंने मंगाया है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो अभी सबका मकसद एक ही है। हाँ ये कर लो पहले। हम लोग खाएंगे पेट भर के। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली और सभी यूट्यूब फैमिली को जय श्री राम। और आज हम आ चुके हैं एक न्यू ब्लॉग लेके और आज का प्लानिंग है, आज हम जा रहे हैं हाथीखेदा, तो पूरा फैमिली पिकनिक है। तो कौन कौन रेडी हुआ, चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। एक भाई रेडी हो चुका है, इधर दो तीन रेडी हो चुके हैं, अभी एक टेम्पू लगा है, एक समूह लग चुका है और आगे आप लोगों को और दिखाते हैं। तो गैस बाकी गाड़ी तो निकल चुका है इसलिए आपको दिखा नहीं पाए, और आगे चलिए आगे कहीं भेंट हो जाएगा तो, और अपना गाड़ी हम जा रहे हैं सब आपको दिखाते हैं फैमिली पैक में, तब तक ब्लॉग में बने रहिए। तो फिलहाल हम निकल चुके हैं सभी भाई के साथ, ये हमारे पीछे मामा है। सीधा रास्ता खुला है ना, गैस हम पहुंच चुके हैं चुछले ओवरब्रिज। उसके बाद यहाँ से निकलते हैं आगे का कुछ और व्यू दिखाते हैं, मूवमेंट दिखाते हैं, तब तक देखिए हमारा सर भाई ये सुना है कुछ बोल सकते हैं। खराब शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के, सिर्फ दाढ़ी कोड़ी फ्री चूतिया नहीं लग रहा है, चटक चूतिया लग रहा है। चले बाबा आ चले था, आज हम लोग नहीं, हेलो हम लोग अभी जा रहे हैं अपने, आज हम लोग सब अपने, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, मकसद की ओर जाने से। गाइस अभी सीएनजी भर कर निकल चुके हैं, तो गाइस अभी आपको दिखाते हैं टाटा स्टील का परफॉर्मेंस गेट। गाइस अभी बड़ा पहुंच चुके हैं हम, तो यहाँ दुर्गा पूजा का कुछ पंडाल चालू किया जा रहा बनाने के, तो आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं तो क्या बन रहा है, तो कुछ दिन के बाद इसका ही फुटेज बना के दिखाया जाएगा आपको। हम पहुंच गए मान लो, मानको नदी गए, ये क्या बोल, मानको में गाइस काफी चेकिंग चल रहा है। आओ ठाकुर, मैं जानता था तुम जरूर आओगे। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं टीम ना, गाइस रास्ता खराब होने के कारण में गाड़ी से फिलहाल हम लोगों को उतरना पड़ा और कुछ ही दूर में है, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में, तो वहाँ पहुँच के चलिए आप लोग उनको मंदिर का कुछ फुटेज बना के दिखाए देते हैं, और पूजा वूजा करने के बाद बाकी फैमिली को भी देखते हैं कहाँ पर है। तो देख सकते हैं मंदिर, देखिए गाइस काफ़ी लोग आए हैं पूजा करने के लिए, ये है हाथीखेदा मंदिर। Thank you.
और सबसे पहले अपना फैमिली को खुश थे इस तरफ है। खाने के लिए भी काफ़ी आइटम है। फाइनली गाइस मंदिर इन कर चुके हैं, तो यहाँ का कुछ फुटेज आप लोगों को बना के दिखाया जाएगा। सभी भाई जा रहे हैं पूजा करने के लिए, प्रसाद वरसाद लेके पूजा वूजा करने के बाद आपको सिनेमेटिक से कुछ मंदिर का वीडियो फुटेज बना के दिखाया जाएगा। तब तक आप ब्लॉग में बने रहिए। बाय गाइस। तो कौन कौन खा के नहीं आया है? मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। मैंने खाया रहा भाई। मैं तो तेरे को हराम ही समझता था। तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। सब बम नहीं खाए, कोई नहीं खाया है। पिछले बार आए तो कुछ अलग था, इस बार आए कुछ अलग है। अभी पूरा तैयारी चल रहा है काम का। शायद ये ओवर से बनेगा, ओवर ब्रिज होते हुए। तो गैस एक टाइम के नीचे पार्क था, अभी वो पार्क बंद हो चुका है। अब उसको बदले कुछ और चीज बनाया है। देख सकते हैं इसी का कुछ ही देरी के बाद चीम टपा का डमडम होने वाला है। तो गैस अभी हमारे चुके हैं पूजा का सामान लेने के लिए। तुम्हारे पूजा एक ए पूजा वाला कौन कौन है? तुम्हारे बरकत से देरी लगी है। हमारे बोल ले तो दे दिया। और भाई तुम्हारे भाई तो बंद आओ पैसे धरो ना। 5 मालटा धरो। 6 ज्यादा पैसा एक ही साथ देना है। लोग अरे तो मानसिक प्लास्टिक भी दो। तो गाइस यहां पूजा के लिए प्रसाद अलग है, मानसिक के लिए अलग है। तो गाइस जो जो मानसिक किया हुआ उसको ये बना हुआ क्या। तो प्रसाद ले चुके हैं गाइस, अभी चलते हैं आपको दर्शन कराते हैं। सबका मन से देखिए सबका ही हमारा फैमिली है पूरा। तो जो जो मन्नत किया हुआ है जगह जगह पे बांध दिया गया है। तो पूरा फैमिली हमारे इस बार में है। और ये सबसे गलत चीज़ है पूजा का चीज़ में भी भाई लोग दीवार से कलाकारी कर दिया गया है। तो यहाँ अगर कैमरा अलाउ तो आप देख सकते हैं काफ़ी लोग मन्नत किए हैं। जो मन्नत के लिए सब यही बांध के जाते हैं। पूजा वूजा करके निकल चुके हैं, अब कुछ भाई और निकलने वाले हैं, उसी का वेट कर रहे हैं। तो फिलहाल तो अंदर में वीडियो बनाने के लिए अलाउ नहीं किया गया है, तो इसीलिए आपको बना के दिखा नहीं पा रहे हैं। तो इसी जितना है बाहर से आप लोग उनको फुटेज बना के दिखाते हैं। सेट नहाने का सुविधा दिया गया है, आप घर से नहा के नहीं आते हैं तो यहाँ आके नहा सकते हैं। इस बार थोड़ा भीड़ कम है क्योंकि सैटरडे का दिन है। संडे के दिन में आने से काफ़ी लोग आते हैं, भीड़ होता है। तो गाइस अगरबत्ती दिखाने के लिए अंदर मना किया जाता है, तो बाहर में सब यहीं पर आके अगरबत्ती दिखाया जा रहा है। तो पिछले बार तो इस बार कुछ ज़्यादा पानी है गाइस, क्योंकि बरसात का टाइम आ चुका है इसी कारण में। तो आप लोगों को कुछ वीडियो सिनेमेटिक में बना के दिखाते हैं। Oh, 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 oh
हमारा सबका मकसद एक ही है, हिम टपाक डमरू। गाइस पूजा वूजा करने के बाद अभी आ चुके हैं हम कुछ भोजन पानी करने के लिए, काफी भूख लगा हुआ है। मैंने अपना ऑर्डर दे दिया है, हम पहले मंगाया है सिंगाड़ा जो मैंने मंगाया। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो अभी सबका मकसद एक ही है, हम लोग खाएंगे पेट भर के। भाई मेरा भी आया, ये बलून का नाश्ता जो अभी खा चुके हैं, पर प्लेट का 30 रुपया है, काफ़ी टेस्टी बनाया गया था। और फिलहाल तो आलू चप भी काफ़ी गर्म था, खाने में और ज़्यादा मज़ा आ गया था। तो छोटा सा मार्केट है, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से गाइस सब्जी भी लेते हैं तो काफ़ी सस्ता मिलता है सब्जी। तो गाइस देख सकते हैं बरसात के कारण रास्ता कितना खराब हो चुका है। तो गाइस अभी आ चुके हैं सारे बहन लोगों के साथ फोटोशूट के लिए, तो और कुछ फोटोशूट हो जाने के बाद उसके बाद फिर ब्लॉग में आपको बनाते हैं। आगे ये छोटी बहन है, आगे ये बड़ी बहन और दीदी है, ये दो छोटी बहन और आ रही है। तो गाइस अभी घूम फिर के आ चुके हैं, अभी फिलहाल थोड़ा सा भोजन का टाइम आ चुका है, अभी भूख लगा है, अभी जाके खाते हैं। तो बोलिए भाई कैसा लगा खाना? खाना बहुत ही लाजवाब था, जो भी यहाँ का मैनेजमेंट था बहुत ही अच्छा था, यहाँ के बनाने वाले कुक और नीचे आरती देख के देख सकते हैं। तो गाइस हम लोग उनका पिकनिक हो चुका है, खाना वाना सब खा के सब रेडी हो चुके हैं, अभी घर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जय श्री राम।